दोस्तों, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आज़ादी की मुहिम छेड़ने वाले वीर बहादुरों की लिस्ट काफ़ी लंबी है, जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए देश की आज़ादी को सर्वोपरि मानते हुए अपनी जीवन लीला को ही समाप्त होने दिया, लेकिन अपने पराक्रम और बलिदानों की बदौलत अंग्रेजों को देश छोड़कर जाने के लिए मजबूर किया था। उन्हीं महान आत्माओं में से एक थी वीरांगना रानी अवंतीबाई, जिन्होंने अपने राजधर्म को निभाते हुए अपना बलिदान दे दिया, लेकिन अंग्रेजों की पेंशन और गुलामी स्वीकार नहीं किया। कौन थी रानी अवंतीबाई और क्या था उनका देश की आज़ादी में योगदान, हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लाइक कर चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही जानकारी से परिपूर्ण वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। वीरांगना अवंतीबाई का जन्म 16 अगस्त सन 1831 ईस्वी को मनेकहड़ी के जमींदार राव जुझार सिंह के यहाँ हुआ था। वह बचपन से ही वीर और साहसी थी। अपनी छोटी सी उम्र में ही घुड़सवारी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण लिया था। अवंतीबाई का विवाह रामगढ़ के राजा विक्रमादित्य के साथ हुआ था। विक्रमादित्य बहुत ही योग्य और कुशल शासक थे, लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण वह राजकाज में कम धार्मिक कार्यों में ज़्यादा समय देते थे। उनके दो पुत्र शेर सिंह और अमान सिंह थे। अवंतीबाई हमेशा ही राज्य संचालन में अपनी पति की मदद किया करती थीं। स्वास्थ्य सही न रहने के कारण राजा विक्रमादित्य का कम उम्र में ही निधन हो गया और इसके बाद अवंतीबाई ने राज्य की बागडोर संभाल ली। लेकिन ब्रिटिश सरकार को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि एक विधवा रानी रियासत को संभाले। उन्होंने तुरंत रामगढ़ को ब्रिटिश सरकार के अधीन लाने का आदेश जारी कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने रामगढ़ की रियासत 13 सितंबर 1851 को कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन कर लिया और शासन प्रबंध के लिए एक तहसीलदार की नियुक्ति कर दी। रामगढ़ के परिवार को पेंशन पर रखने की सिफारिश भी कर दी गई, लेकिन ऐसा होने की वजह से रानी वीरांगना अवंतीबाई काफ़ी दुखी हुई और उन्होंने अंग्रेज़ों से इस अत्याचार को सहन नहीं किया। उन्होंने गोरों के खिलाफ युद्ध करने का फैसला ले लिया। रानी ने अपनी ओर से अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी मनसा और क्रांति का संदेश देने के लिए अपने आसपास के सभी राजाओं और प्रमुख जमींदारों को कांच की चूड़ियों के साथ एक चिट्ठी भिजवाई, जिसमें लिखा था, देश की रक्षा करने के लिए या तो कमर कसो या फिर चूड़ियाँ पहनकर घर में बैठ जाओ। ज़्यादातर राजाओं और जमींदारों ने देशभक्ति जागृत करते हुए रानी का साहस और शौर्य की सराहना की और उनकी योजनानुसार अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े होकर जंग का ऐलान कर दिया। जगह जगह गुप्त सभाएं कर देश में सर्वत्र क्रांति की ज्वाला फैला दी और साल 1857 की क्रांति का आगाज हो था। साहसी रानी अवंतीबाई ने अकेले 4000 सैनिकों का नेतृत्व करते हुए अंग्रेजी सरकार के खिलाफ युद्ध छिड़ दिया। पहली लड़ाई खेरी गांव में लड़ी गई और अंग्रेज रानी अवंतीबाई की युद्ध कौशलता को देखकर दंग रह गए थे। अंग्रेजों को पहली ही लड़ाई में हार की उम्मीद नहीं थी। शुरुआती लड़ाई में गोरों को मुंह की खानी पड़ी थी। अपनी हार से आग बबूला होकर बौखलाए अंग्रेजों ने पूरी ताकत के साथ रामगढ़ पर चढ़ाई कर दी और इस बार उनके पास अथाह बंदूकधारी और घुड़सवार सेना थी, जिसका सामना रामगढ़ की सेना नहीं कर पाई। लेकिन अवंतीबाई अपनी आखिरी सांस तक लड़ती रही। रानी को पता था कि अब उसके पास न तो सेना रही है और वो खुद अंग्रेजों की सेना से चारों तरफ से घिर चुकी है, तो अवंतीबाई ने रानी दुर्गावती के पद चिन्हों पर चलते हुए अपनी ही तलवार से खुद को ख़त्म कर लिया और अपने जीते जी अंग्रेज़ों को अपने शरीर से हाथ तक नहीं लगाने दिया। रानी ने खुद को देश और अपने राज्य के लिए शहीद कर लिया और देशवासियों को अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का संदेश दे दिया। उन्होंने अपने सीने में तलवार भोंकते वक्त यही कहा कि हमारी पूजनीय रानी दुर्गावती ने अपने जीते जी बैरी के हाथ से अंग न छुए जाने का प्रण लिया था। उनकी यह बात भी भविष्य के लिए अनुकरणीय बन गई। रानी अवंतीबाई का अनुकरण करते हुए उनकी दासी ने भी खुद को तलवार भोंक कर बलिदान कर दिया और भारत के इतिहास में वीरांगना अवंतीबाई ने सुनहरे अक्षरों में अपना नाम लिखवा दिया।
कहा जाता है कि वीरांगना अवंती बाई 1857 के स्वाधीनता संग्राम के नेताओं में अत्यधिक योग्य थी। कहा जाए तो वीरांगना अवंती बाई का योगदान भी उतना ही है जितना 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का था। आज़ादी के बाद अवंती बाई के सम्मान में नर्मदा पर्वत विकास संस्था के तहत जबलपुर जिले में बने डैम को भी उन्हीं का नाम दिया गया है। भारतीय पोस्ट डिपार्टमेंट ने भी रानी अवंती बाई के नाम का स्टाम्प जारी किया और महाराष्ट्र सरकार ने भी रानी अवंती बाई का स्टाम्प जारी किया है।